छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री दिग्गज आदिवासी नेता कवासी लखमा ने इस बार बस्तर लोकसभा से अपने बेटे के लिए पैरवी की है। उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की है। इसकी पुष्टि खुद कवासी लखमा ने की है। लखमा ने बताया कि बस्तर के लिए मैं और मेरे बेटे ने टिकट मांगी है। लखमा ने कहा कि अगर बस्तर से दीपक बैज को टिकट नहीं मिलता तो उनके बेटे को मिलेगी। लखमा ने आगे कहा कि दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं। ऐसे में उन्हें सभी 11 सीटें देखनी हैं। वहीं लखमा की माने तो उनका ये भी कहना है कि अगर दीपक बैज को टिकट मिली तो वो भी उनके बेटे के समान है। आपको बता दें, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अब तक 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। इनमें रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद और दुर्ग शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज यानी गुरुवार शाम तक कांग्रेस बची अपने नामों का ऐलान कर देगी। सूत्रों की माने तो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद में कांग्रेस अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर और रायगढ़ के उम्मीदवारों का नाम शामिल होगा। कांग्रेस ने अब तक जिन नेताओं को उम्मीदवार बनाया है उनमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और दुर्ग से कांग्रेस के नेता राजेंद्र साहू का नाम है। अब अगर ऐसा होता है कि कवासी लखमा के बेटे को टिकट मिल जाए तो फिर एक बार कांग्रेस परिवारवाद के मुद्दे पर घिर सकती है। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।